हेलो फ्रेंड्स, माय नेम विक्रम सर, आई एम फ्रॉम गुजरात। जैसे कि हमने ऑलरेडी इंग्लिश को ये काफ़ी कुछ सीखा हुआ है, हम आज बात कर रहे हैं चार नंबर टेंस हमारा चल रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस वीडियो में हमने किया हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को, हमने काफ़ी डीप में जाकर सीखा हुआ है और चार रूप में हमने किया हुआ है। हमने किसी भी टेंस को हमने चार रूप में किया हुआ है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, तो इसे भी हमने चार रूप में किया। जैसे कि हमने पहले किया पॉजिटिव, देन नेगेटिव, एंड देन इंट्रोगेटिव, एंड देन इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ओके, तो सेंटेंस को हमने बनाया कैसे, सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या था, तो आपको मैं बता दूं कि किसी भी टेंस को हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम उसकी आइडेंटिटी कुछ वर्ड्स हैं हिंदी में, उसे हम फॉलो करेंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की आइडेंटिटी वर्ड्स क्या है, किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में, लास्ट में, किसी भी हिंदी वाक्य, कोई भी हम हिंदी वाक्य बोलते हैं उसके लास्ट में, किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, ये सब वर्ड लगा रहे, और उसमें टाइम ना दिया गया हो, समय ना दिया गया हो, समय नहीं हो, समय का उल्लेख नहीं किया गया हो, तो उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलेंगे। ओके, तो हमने किसी भी सेंटेंस को जब हमने सीखा तो हमने चार रूप में किया। सपोज कि हमें अभी ऐसा बोलना है कि वे लोग कहीं जा रहे हैं, दे आर गोइंग समवेयर। हमने इसके रूल्स को काफ़ी डीप में जाकर सीखा हुआ है। वे लोग कहीं जा रहे हैं, दे आर गोइंग समवेयर। वे लोग कहीं नहीं जा रहे हैं, दे आर नॉट गोइंग समवेयर। क्या वे लोग कहीं जा रहे हैं, आर दे गोइंग समवेयर। क्या वे लोग कहीं नहीं जा रहे हैं, आर दे नॉट गोइंग समवेयर। तो आज हम बात कर रहे हैं चार रूप में सीखने के बाद, आज हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम डब्ल्यू एच वर्ड को लेकर, दो रूप है हमारा, डब्ल्यू एच पॉजिटिव, डब्ल्यू एच नेगेटिव। तो आज हम इन दोनों चीज़ों को सीखेंगे, हम डब्ल्यू एच वर्ड में पॉजिटिव, डब्ल्यू एच वर्ड नेगेटिव सीखेंगे। तो पॉजिटिव में सीखने के लिए डब्ल्यू एच वर्ड के जो पॉजिटिव फॉर्मेट्स हैं, फॉर्मेट्स क्या हैं, हम पहले फॉर्मेट्स पे ध्यान देंगे। जब भी हम किसी सेंटेंस को पॉजिटिव में बना रहे हैं तो हम सबसे पहले सेंटेंस को पॉजिटिव में ही बनाएंगे, उसके बाद हम उसे हेल्पिंग वर्ब को पहले करके हम उसे इंट्रोगेटिव में कर लेंगे, और जैसे ही सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव बन जाएगा हम क्या करेंगे, जो सेंटेंस में डब्ल्यू एच वर्ड होगा उस वर्ड को हम पुट अप करके इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ऐड कर लेंगे। हमने एक एग्जांपल दिया हुआ है, वे लोग कहाँ जा रहे हैं, आप देख सकते हैं वे लोग कहाँ जा रहे हैं, इस कहाँ को आप हटा दीजिए, वे लोग जा रहे हैं, इसे हम पॉजिटिव बनाएंगे, दे आर गोइंग, वे लोग जा रहे हैं। जैसे ही आपका पॉजिटिव बन गया, अब हमें करना क्या है, इंट्रोगेटिव। पॉजिटिव में जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है, आपको हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया जो भी आपको दिख रहा है उसे आप पहले कर लीजिए, आर दे गोइंग। ओके, आर दे गोइंग, ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव। अब हम बात करते हैं डब्ल्यू एच वर्ड की, डब्ल्यू एच वर्ड क्या है इसमें, कहाँ, दैट मीन्स वेयर, हमें सिर्फ वेयर को ऐड कर लेना है, वे आर दे गोइंग, वे लोग कहाँ जा रहे हैं, वे आर दे गोइंग। ओके फ्रेंड्स, आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में चार रूप में सीखने के बाद, आज हमने सीखा डब्ल्यू एच सेंटेंसेस की पॉजिटिव फॉर्मेट। डब्ल्यू एच सेंटेंस जब हमारे पॉजिटिव होंगे तो हम उसे फॉर्मेट पे कैसे बनाएंगे, हमारे पास वेरी सिंपल वे है, पहले पॉजिटिव करना है, देन इंट्रोगेटिव करना है, एंड देन डब्ल्यू एच वर्ड करना है। अभी इस फॉर्मेट को ध्यान में रखकर हमको हमें जैसा भी सेंटेंस बोलना हो हम बोल सकते हैं। सपोज कि यहाँ दिया हुआ वे लोग कहाँ जा रहे हैं, अभी आपसे कोई पूछे, कोई भी, सपोज कि आपसे कोई बात कर रहा हो, वे लोग कहाँ जा रहे हैं, हमने कहा कि वह तुम्हें क्यों याद कर रही है। आपको क्या करना है, क्यों को हटा लेना है, पहले इस डब्ल्यू एच वर्ड को आपको साइलेंट कर लेना है, वह तुम्हें क्यों याद कर रही है, क्यों हटा दीजिए, वह तुम्हें याद कर रही है, सी इज मिसिंग यू, वह तुम्हें याद कर रही है। ओके, अभी क्या करना है, पॉजिटिव बन गया हमारा, अब इंट्रोगेटिव करना है, अब जो भी हमारा हेल्पिंग वर्ब आया उसे पहले कर लीजिए, इसको हमने पहले कर लिया, इज सी मिसिंग यू, क्यों याद कर रही है, वाई लगा दीजिए, वाई इज सी मिसिंग यू। ओके फ्रेंड्स, आप हमारे इस तरह से हर वीडियो को देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे हर वीडियो को देखते रहिए। हम आगे नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे डब्ल्यू एच वर्ड को, हम नेगेटिव में सीखेंगे, इमीडिएटली हमने पॉजिटिव को जिस तरह सीखा है वैसे ही बारीकी से हम डब्ल्यू एच नेगेटिव सीखेंगे। जैसे हमारे छः रूप हो जाएंगे हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट लेवल यानी पांच नंबर टेंस हम स्टार्ट करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके फ्रेंड्स, तो हमारे साथ बने रहिए, हमारा हर वीडियो को देखते रहिए, हमारे हर वीडियो को देखने के लिए, डेप्थ में जाकर इंग्लिश को अच्छी तरह सीखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। ओके फ्रेंड्स।